असा के लिंगन में वसियत भी को होंगी जो अस खेली सूँ या भरी सूँ या डुकी सूँ या तड़ कर सूँ कें वाह में कें ट्यूबवेल में या शह में उन वजह से अस अंदर में दुख रखी और अस वे रहा चुप कर सूँ तंग कान मंडड़ो आ माजूर आ हिं फलाना तीर धक्का दींदा क्या कहें हमारे जैसे आदमी का क्या वेल हो सकता है। घुटनों पे चलता था, गिर जाता था, कोई कोई कैसे कह रहा था, कोई कैसे कह रहा था, हमारे को कोई और क्या कहेगा। अली हसन 20 साल का है, खैरपुर सिंध में रहता है। पोलियो इसकी जिंदगी का साथी भी है और उम्र भर का रोग भी। एक वक्त था जब हजारों बच्चे अली हसन की तरह मुरझा जाया करते थे। पाकिस्तान भर में पोलियो के खिलाफ मुहिम 1994 में शुरू हुई। बहुत से दूसरे अजला की तरह खैरपुर ने भी पोलियो के खिलाफ जंग जीत ली। 2005-2006 जिला खैरपुर में पोलियो से पाक साल थे, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2007 में एक और 2008 में पोलियो के दो केसेस सामने आए। इकरा इस वक्त तकरीबन 2 साल की है, मासूम है। इकरा को नहीं मालूम कि 6 माह कबल जिस पोलियो ने इस पर हमला किया था वो काबिले इलाज नहीं। ये जूं जूं बड़ी होती जाएगी जिंदगी के दुख बढ़ते जाएंगे और इन आंसुओं को अंदर ही उतारना होगा। दुख जैसा गुजर रहा है, अभी बच्ची है, लड़का होता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये बच्ची है, इसकी तो जिम्मेवारी होती है जैसे लड़कियों की होती है। अभी ये एक ही जगह बैठी हुई है क्योंकि अभी चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, खड़ा करते हैं तो रोती है। बच्ची है सर, वो तो दुख जैसा महसूस कर रहे हैं कि बच्ची अभी सारी उम्र जो है इसको ऐसे ही रहना है। नौशाद इस वक्त तकरीबन 3 साल की है। हंसती मुस्कुराती नौशाद की मुस्कुराहट कुछ ही अरसे में मान पड़ जाएगी जब इसे इस बात का एहसास होगा कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है पोलियो की वजह से। बजाहिर पांव पांव चलती नौशाद की टांग पर पोलियो असर छोड़ चुका है। जूं जूं ये बड़ी होगी इसकी कमजोरी और ज्यादा वाजे हो जाएगी। औलाद जड़ी छ या न्याणी या असा के तने डाढो दुख आ ला दिसे तो बात आ न्याणी या ना बात सुबाने मर्द मानु दादा पो लठ ते घोड़ी ते हेडे होडे घुमंदो गद न्याणी बार असा जो असा के थोरो सो यो सूर आ ने जो जी। हमने जो एनालिसिस किया है, जो हमने देखा है कि ये दो विक्टिम्स हमारे पास किस तरह से हुए, इनको क्या हमने वो फैसिलिटीज़ नहीं दी वैक्सीनेशन की या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो सामने बात ये आई है कि इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं। ये तो अब दो सामने आए हैं, हो सकता है कि अब ना आए या हो सकता है कि आएँ, क्योंकि इशूज़ तो अभी तक अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इशूज़ इसमें रिफ्यूज़ल के हैं, लोग आगे नहीं आते अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए। कई जगह पे मिसकंसेप्शंस हैं कि वो समझते हैं कि शायद इसकी वजह से कोई नुकसान होगा। कई जगह पे हमारी टीम्स वहाँ नहीं पहुँच सकती हैं, वहाँ पे इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं। कहीं पे टीम्स जाती हैं तो वो कम्युनिटी तो नहीं जहाँ पे लोग जा रहे हैं, लेकिन कहीं और पे उनको प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल
हमारे पास ऐसे भी वाक़ात हुए हैं जहाँ पे हैरेसमेंट हुई है, जो ख़वातीन जाती हैं वहाँ पे फील्ड में काम करने के लिए। पोलियो से बचाव के दो खतरे, हर बच्चा हर बार, ये कहना आसान है लेकिन इसको यकीनी बनाना कुछ इतना सहल नहीं। छोटे छोटे बहुत से मसाइल मिलकर बहुत बड़ा चैलेंज बन जाते हैं। एक मानन जा सवाल बियो गर्मी में जो का बर्फ की जरूरत पंदिया, बर्फ जल्दी में गरी थी वने उने जी असा के जका से तकलीफ थिंदिया। ए बियो जो का पंध दा कयो बियो हते वडी गाली हो जो गोठ में कुत्ता घणा अन सर जके असा के इनन खाई बहुत थिंदो आ। हमारे पास सारी एरियाज जो हैं वो LHW से कवर्ड नहीं है, और जहाँ पर हमें LHW या फीमेल टीम मिलती है तो हम प्रेफर फर्स्ट उसी को करते हैं कि जो है मतलब उसी को हम भेजें, क्योंकि उनसे ज़रा सहूलत रहती है कि वो घर के अंदर चली जाती हैं और वो जो बच्चा जो पैदा हुआ होता है और जो झूले के अंदर होता है, जो चिल्ले के अंदर या 40 दिन के लिए नहीं भी निकालते हैं बाज़ लोग, तो उनको भी जाके वो पिला कराती हैं। कभी बजट होती है तो हमें PL वगैरह मिलता है, नहीं तो हमें नहीं मिलता। पहले तो ये हमारी तकलीफ़ होती है। दूसरे नंबर पे इतने जो लोग हैं उसमें इतना शऊर नहीं है कि वो बुला के हमें कहें कि वैक्सीन करो या बच्चों को हमारे हेल्थ फैसिलिटी पे ले आए, ये नहीं होता। इन छोटे बड़े तमाम मसाइल के बावजूद हम देखते हैं कि पोलियो टीम का सारा अमला पूरी हिम्मत और मेहनत से 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है। यहां सवाल ये पैदा होता है कि क्या इकरा और नौशाद ने पोलियो वैक्सीन पी थी? आपने ये भी सुना होगा कि जो पोलियो का एक केस हुआ है उसने 8 दफ़ा पोलियो पी ड्रॉप्स पिए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये एफिकेसी या तो नहीं है उसमें। उसकी रीज़न ये हो सकता है कि जो कोल्ड चेन है वो सही तरीके से मेंटेन नहीं हुआ। आपको पता है यहाँ पे 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है। अब BHU RAC में इतने स्टैंड बाय जनरेटर्स तो होते नहीं, तो वो जो लाइट जाती है उसमें उसकी प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती। हमने देखा कि लोड शेडिंग और सिंध की शदीद गर्मी के बायस पोलियो वैक्सीन को मुनासिब दर्जा हरारत पर रखना यानी कोल्ड चेन को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। जिला खैरपुर में बहुत से इलाके और गोट ऐसे भी हैं जहां घर घर हर दरवाजे तक पोलियो से बचाव की वैक्सीन पहुंच भी जाए तो लोग बच्चों को वैक्सीन पिलाने पर आमादा नहीं होते, जिन्हें तकनीकी इस्तलाह में रिफ्यूजल्स कहा जाता है। हले थी पई उन्हनि जी ज़िंदगी ख़ुशि आहिनि इन में बि चवनि था अलाह जी मर्ज़ी आहे। ईअं नथा चवनि त हीअ जेको आहे केस पोलियो जे करे थियो आहे, असां केतिरा पीआरियूं आहे ॿारनि खे जा हाणे उन्हनि खे पीआरियूं, उन्हनि खे ॾिसी सबक़ु सिखूं, न न चवनि था अलाह जे तरफ़ां आहे। जितनी बि लेक्यूनीज़ आती हैं और केसिस होते हैं उसका सबब तो ये है कि किसी न किसी तरह वो बच्चा पोलियो के कतरे पीने से रह जाता है। उसमें फिर वहाँ हमारी टीम न पहुँच सकी हो, रिफ्यूज़ कर दिया गया हो बच्चा पिलाने से, या बच्चा वहाँ मौजूद ना हो। जहाँ रिफ्यूजल्स एक बहुत बड़ा मसला है, वहाँ साथ ही साथ हम देखते हैं कि पोलियो वैक्सीन के बारे में लोगों का शऊर बेदार होना शुरू हो गया है। जी जी, औरतों में इतना शऊर आ गया कि वो जैसे ही आती हैं घर में नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, हॉस्पिटल में जो होती हैं तो वो तो हम यहाँ पर काम करते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी होती हैं वो जो मदर होती है ना वो बच्चों को लेके आती हैं कि हमारे बच्चों को ना वैक्सीन कर दें, पोलियो ड्रॉप्स पिला दें, तो उनमें इतना शऊर है तो तभी तो वो गांव से इधर आते हैं ना। घर घर जाकर पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने में कामयाबी तभी मुमकिन है जब EPI की रूटीन भी मुअस्सर हो। एक होती है रूटीन EPI, जिसमें बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको एक टीका लगता है, उसके बाद पोलियो का ड्रॉप पिला देते हैं, फिर 6 हफ्ते के बाद बुलाते हैं, फिर 4 हफ्ते के बाद बुलाते हैं। ये इसको हम कहते हैं रूटीन EPI, ये हमारी रूटीन एक्टिविटी, ये थ्राउड ये चलती रहती है। अगर हमारी EPI बेहतर होती और रूटीन बेहतर होती तो ये केसेस नहीं होते, क्योंकि अब मिसाल देखें ईरान का, चाइना का, अमेरिका का, ये जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रूटीन EPI जो है 99% है या अबो 90% है, इसलिए वहाँ पे केसेस नहीं होते। वहाँ पे NIDs या सब NIDs नहीं होती हैं। रूटीन अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारे पास कोई केसेस नहीं होगा। हमारा जो EPI का टोटल स्टाफ है ना वो भी कम है। एक
दूसरा ये है कि अगर स्टाफ है तो उनको गाड़ियाँ नहीं हैं, अगर गाड़ियाँ हैं तो उनको तेल की सहूलत POL की ज़रूरत पड़ती है, तो इस लिहाज से हमारा EPI का काम जो है बहुत सफ़र करता है। आने वाले वक्त में ऐसा क्या किया जाए कि एक बार फिर जिला खैरपुर पोलियो से पाक हो जाए? कि अगर हम एक बच्चे को अपने इनसाइड खुदा के खौफ से और अपने लीगली जो इनसाइड है उससे सोच के उसको अच्छी तरह से पोलियो के ड्राफ्ट पहुँचाएँ और डिवोटेड डॉक्टर बन के उसको देखें, वहाँ तक जाएँ और अपने वैक्सीनेटर को और जो डिस्पेंसर सबको ये कहें कि खुदा के बंदे, अगर ये बच्चा तुम्हारा होता तो इसके लिए तुम क्या करते? पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि जब बच्चे की विलादत हो तो अगर उनको पता नहीं है कि क्या बीमारियां हो सकती हैं बच्चे को, वो पूछ लें। वहाँ पे BHUs हैं, डिस्पेंसरीज हैं, गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, खाली पूछ लें कि ये क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, हम क्या कर सकते हैं। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि ये सर्विसेज फिर कहाँ से मिलेंगी, तो फिर वो सर्विसेज भी मिल जाएंगी उनको। मजबूत इरादे और वसाइल मिलकर ही आने वाले साल में एक बार फिर पोलियो से पाक खैरपुर देख सकते हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ महकमा सेहत की नहीं, मेरी, आपकी, हम सबकी है, खासतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के घर वालों की, कि जब कतरे पिलाने वाली टीम घर पर आए तो पोलियो से बचाव के कतरे हर 5 साल से कम उम्र के बच्चे को जरूर पिलवाए जाए। अगर हर कोई अपने अपने मकाम पर अपना किरदार पूरी जिम्मेदारी से अंजाम दे तो हम सब मिलकर इकरा और नौशाद जैसे बहुत से बच्चों को मुरझाने से बचा सकते हैं।